नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं कि हरियाणा के भीतर कांग्रेस हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस हारी क्यों? क्या कांग्रेस के भीतर का घमासान ही कांग्रेस को हरियाणा के भीतर लेट हुआ, या फिर ये कहे कि कांग्रेस को लेकर के जो सोच हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बनाई गई, दिल्ली के भीतर मथी गई, दिल्ली में बैठे हुए तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेता ने जिस भी सोच को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सामने रखा वो सभी सोच हवा में थी, या फिर उनके पीछे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर हरियाणा के भीतर सबसे ताकतवर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी? और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत के आगे कांग्रेस में दिल्ली के भीतर बैठे बड़े बड़े नेताओं की भी नहीं चली, या फिर ये कहे कि वो लोग चलाना ही नहीं चाहते थे? क्योंकि जिस तर्ज पर जिस अंदाज में जो राजनीति दिल्ली के भीतर परोसी गई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, क्योंकि इस समय में सर्वे होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए किसको टिकट ना दिया जाए, इस समय में तमाम परीक्षण कांग्रेस के भीतर भी होते हैं, इसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस के अनुकूल पूरी राजनीतिक जमीन थी हरियाणा की। और 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये बात मान लिया गया था कि अब कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर तो पांच पांच का खेल हरियाणा के भीतर हो चुका था। तो आइए एक ऐसे आज किताब के उस पन्ने को पलटने की कोशिश करते हैं जिसको आज पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए। कांग्रेस भले इसको समझे या न समझे, लेकिन आज आपको समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के भीतर का चुनाव यानी हरियाणा के भीतर का चुनाव जाट वर्सेस ऑल का हो चुका था, जिसका जिक्र हमने कई वीडियो में पहले भी कर चुका है। यह भी बताया कि 36 बिरादरी का जिक्र आर पार राहुल गांधी अगर अपनी चुनावी सभा के अंदर कर रहे थे और इस बात का लगातार वो जिक्र कर रहे थे कि नौकरी मिलेगी तो हरियाणा के 36 बिरादरी को, सत्ता होगी तो सभी की बराबर हकदारी होगी हरियाणा के भीतर, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आखिर आई नहीं। ये परिस्थितियां एक ही झटके में मंच के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलाने को लेकर के आखिर क्यों दौड़ने लगी? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कांग्रेस पार्टी के भीतर उस परिस्थितियां तक पहुंचने के लिए? आपको कुछ बात और आपको समझना पड़ेगा। मुद्दों पर बात करें, फैक्ट्स के साथ बात करें, शुरुआत से बात करें तो दरअसल कांग्रेस की परिस्थिति हरियाणा के विधानसभा चुनाव परिणाम में ठीक वैसे ही है जैसे उसने कभी सोची ही नहीं होगी। यानी ये कहे कि ये कल्पना के परे था कि 70 यानी 45 सीट तक भी कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड बना लेगी, हैट्रिक बना लेगी और उसकी दोहरी काम कर जाएगी। लेकिन जबकि इस बार काफी सक्रिय तौर पर, काफी एक्टिव तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां नहीं हुई हरियाणा के भीतर, अमित शाह की रैलियां भी उस तर्ज पर नहीं हुई। इस दौर में नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के भीतर जरूर मनोहर लाल खट्टर के दौर के तमाम दाग को धो डाला, या फिर कहे जिस अंदाज में वह वोटरों के सामने झुकते चले गए लगातार उसने कमाल कर दिया हरियाणा के भीतर। बात आप इसके पीछे कुछ भी कह सकते हैं आज के दौर में, क्योंकि आपके सामने चुनाव का परिणाम है, रिजल्ट है, लेकिन हमने आपको पहले ही कहा है कि हम आज उन बातों को बताएंगे, उन तमाम बातों के आश्रय आज लगता है कि जब ये प्रचार हरियाणा के भीतर शुरू हुआ उससे पहले टिकट का बंटवारा हुआ, टिकट बंटवारे से पहले दिल्ली के अंदर जो टिकट लेने को लेकर के जो हरकंप मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी और कांग्रेस के खेमे में भी, उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बात समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के जितने भी एमएलए जीत करके आए थे पिछली बार हरियाणा के भीतर, कमोबेश सबको टिकट थमा दिया गया, दो व्यक्ति को छोड़ करके, दो एमएलए को छोड़ करके 29 एमएलए को टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो पिछली बार जीत करके आए थे, उनको इस बार मत चली क्योंकि वहां पर स्टैटिक रिकॉर्ड 90% के आसपास आ रहा था। हालांकि जहां पर स्ट्राइकिंग रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, 17 ऐसे हारे हुए एमएलए को टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिसमें से जो जमानत जब्त हुई थी, और जमानत जब्त होने का मतलब यह है कि लूजर के टैग जो लगा वो केवल 17 में से स्ट्राइकिंग रेट केवल 7% का होता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, केवल 7% का। यानी ये कहे कि ये चुनाव परिणाम बहुत साफ बता रहा है कि आपको रिपीट नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ एक और संदेश हो जाए, जो पिछली बार जो लोग जीते थे, जो एमएलए जीते थे, दो चार उसको और आप बिगा सकते थे, यानी 24-25 तक तो ठीक है, 29 तक में चार उम्मीदवार को और बदला जा सकता था, ये पहला संदेश होता। अगला एक और संदेश होता, जो लूजर थे पिछले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देना, उसके बावजूद भी करीब करीब आधे दर्जन ऐसे उम्मीदवार थे जो इससे पहले के चुनाव में 2 से 3 बार से लेकर के 4 से 6-7 बार तक चुनाव हार चुके थे, लेकिन वह हुड्डा गुट के आते थे, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने या कहे हुड्डा ने टिकट दे दिया। दूसरा सवाल था, ये टिकट कैसे दिया जाता था? इन सब के बीच क्या सच में पैसों का बहुत बड़ा खेल हो रहा था? करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे थे, किसको कौन पैसा पहुंचा रहा था,
किसके कहां से टिकट आ रहे थे, ये अलग पूरा खेल होता है हरियाणा की इस विधानसभा चुनाव के भीतर। उस सौदेबाजी में कुछ तुरंत पैसा दिया नहीं जाता, कुछ को दिया गया, अभी उसको सब खैर उसकी अभी चर्चा नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे एक जीती हुई जीत को गंवाने की स्थिति में हरियाणा के भीतर कांग्रेस जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत तौर पर नजर आती है और उसका कोई छत्रक ये बात बताता है कि ये मेरी कांग्रेस है, वहां पर वो हार जाती है। चुनाव परिणाम साफ बता रहा है। वहां पर एक छोटा सा बात और समझ लीजिए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही थी क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे इस चुनाव प्रचार के भीतर थे ही नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उस समय में संविधान का सवाल, दलितों का सवाल, पिछड़ों का सवाल, हाशिए पर पड़े हुए उन तबकों का सवाल और इसके ठीक समानांतर खटाखट पैसे जाने का सवाल, इन तमाम सवालों ने कांग्रेस पार्टी के अनुकूल एक राजनीतिक जमीन देश के भीतर तैयार की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मौजूदगी नहीं थी हरियाणा के भीतर, वो राहुल गांधी की मौजूदगी थी, वो कांग्रेस की मौजूदगी थी, लोगों की पहल थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव थे। विधानसभा चुनाव आते आते ये परिस्थितियां हरियाणा के भीतर से गायब हो गया। अब एक सवाल और होगा आपके मन में कि टिकट बंटवारे को लेकर के क्या सवाल शुरू हुआ। पहले राउंड में कोई भी ये बात बता सकता है कि हाँ, क्योंकि कुमारी शैलजा का रुकना हरियाणा के भीतर केवल 5 सीटों पर, उनके अनुकूल परिस्थितियां, उनके ऊपर टिकट देना, उसमें भी 2 MLA जो पिछली बार जीते थे उसको टिकट दिया गया, बाकी 3 में हेरफेर कर दिया गया और उन सब के समानांतर या फिर हराने की पूरी एक रणनीति यह भी बनाई गई कि कैसे वोट बटेंगे। और उसके बाद करीब करीब शुरुआत में ही करीब 1 सप्ताह तक कुमारी शैलजा के अपने घर में ही बैठे रहना। यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा आपको कि अगर हरियाणा के भीतर कोई जाति का कोई चेहरा होता, जो जाट समुदाय का चेहरा हुड्डा थे, और हुड्डा का कांग्रेस का होना हरियाणा के भीतर, हुड्डा की कांग्रेस की राजनीतिक तौर पर मंथन करना, तो गैर जाट हरियाणा के भीतर वोट एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए, क्या ये मुद्दा के आश्रय आज आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इसी समय में 2-3 बातें और होती है जो कि हरियाणा के भीतर मुद्दों का जिक्र बार बार किया जाता है, उन मुद्दों को अगर आप पलट के देखिएगा तो आप पहले राउंड में कहिएगा कि अच्छा पहलवानों का जिक्र कर लेते हैं, पहलवानों का हरियाणा के भीतर क्या हुआ। यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि पहलवान ज्यादातर जाट समुदाय से जुड़े हुए थे हरियाणा के भीतर, और जाटों के वोटों के आश्रय और जाटों के आंदोलन के आश्रय अगर यहाँ पर आप ब्रजभूषण सिंह को लाकर के खड़ा करते हैं, जो कि हरियाणा से 500-700-700 किलोमीटर की दूर पर कैसरगंज के भीतर जिसकी पहल होती है, वो राजपूत होते हैं, लेकिन राजपूतों की पंचायत भी बैठी, राजपूतों ने यहाँ पर एक सभाएं भी की हरियाणा के विधानसभा चुनाव के पक्ष में, किसके पक्ष में, ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में, जो कि हरियाणा के भीतर पहलवानों के आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए। राजपूत और जाट यहाँ पर खुलेआम खुले तौर पर बट गया, पहलवानों के सवाल थे, बाकी सवाल अभी तमाम सारे सवाल छोड़ दीजिए, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात और आप सोचिए, ऐसा नहीं कि पूरे देश भर के भीतर जहां जहां राजपूत मुश्किल में आते हैं, दिल्ली में कुमार संजय सिंह को देखिए, मनीष सिसोदिया को देखिए, वो सब भी तो राजपूत है, इनको लेकर के तो राजपूत ने कोई संघर्ष नहीं यहाँ पर किया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के संघर्ष किया, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन हरियाणा के भीतर था। लेकिन सवाल है कि एक झटके में वो जाति में तब्दील हो गया, यानी ये कहे कि पहला संदेश, पहला सवाल, पहला मैसेज सबसे बड़ा है, और पूरा चुनाव हरियाणा के भीतर जातीय समीकरणों का इर्द गिर्द था, 36 बिरादरियों का लगातार जिक्र था, उसमें एक बिरादरी एक तरफ थी, बाकी 35 बिरादरी दूसरी तरफ एक ही तरफ आकर के खड़ी हो गई। आप कहेंगे जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी हरियाणा के भीतर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें और उसके वोटरों में बहुत भारी टकराव हो गया, भारी बिखराव हो गया, शेड्यूल कास्ट के भीतर जो बिखराव सियासी तौर पर हरियाणा के भीतर जो नजर आया, उसका असर ये पड़ा इस चुनाव परिणाम के दौरान, इस अध्ययन के भीतर, कि दरअसल पिछली बार जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट होती है, उस पर भी इस बार जीत पाने की स्थिति में नहीं आई कांग्रेस पार्टी। पिछले बार 17 में से 7 सीट जीत गई थी, इस बार 2 सीटों पर झटका लग गया। आखिर ये संदेश इस दौर में क्या दे रहा है? संदेश ये होता है कि जाति की राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया, राहुल गांधी इस तमाम पॉलिटिक्स तमाम राजनीति से हट करके कांग्रेस पार्टी को इस दौर में खड़ा कर रहे थे, तो क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि चुनावी मैदान के भीतर नरेंद्र मोदी की मास्टरी होती है, और इस मास्टरी का मतलब केवल इतना भर नहीं है कि वो जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग या फिर सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अपने अनुकूल कर लेते हैं। इस देश के भीतर तमाम संस्थान काम करते हैं, तमाम ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, और हरियाणा चुनाव के भीतर जब कांग्रेस ने इस बात का आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बड़े धीमे धीमे गति से आगे बढ़ रहा है, और चुनाव आयोग ने वो अपने इलेक्शन कमीशन के साइट पर भी 3-4-5 राउंड के बाद भी चीजें अनुकूल नहीं हो रही है, तो इसका अध्ययन भी
जब आप करेंगे तमाम जगहों पर, जब आप इस चीज को एनालाइज करेंगे तो आपको दो तीन बातें इस पूरे अध्ययन के भीतर नजर आ जाएगी कि अगर शुरुआत में ये संदेश चला गया कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, और आपको इस बात को जान करके काफी हैरानी होगी कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे चल रही थी, करीब करीब 75% सीटों पर पोस्टल बैलेट में वो आगे थी, और ये संदेश पहले दूसरे तीसरे चौथे राउंड तक आते आते डगमगाने लगी कि कांग्रेस पार्टी अगर इतनी आगे चल रही है और ये संदेश अगर चला गया तो फिर जो छोटी छोटी मार्जिन होती है जहां छोटे छोटे मुश्किल हालात को समाधान करने के लिए वहां के प्रशासन सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो उसके भीतर कोई संदेश तो देना पड़ेगा। इसीलिए कहीं पांचवें राउंड से आठवें राउंड के बीच में एक संदेश देने की कोशिश खुले तौर पर खुलेआम इलेक्शन कमीशन के साइट पर भी आई, चुनाव आयोग के साइट पर भी आई, और वोटिंग पैटर्न के भीतर भी नजर आने लगी कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और इसने प्रशासनिक हलकों के भीतर ये संदेश, ये मैसेज पुलगांव हो, फरीदाबाद हो, यमुनानगर हो, रोहतक हो, झज्जर हो, पानीपत हो, कुरुक्षेत्र हो, हिसार हो, तमाम जगहों के ऊपर यह संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हरियाणा के भीतर लौट रही है। और इसका संदेश बहुत साफ है कि अधिकारी समझ रहे हैं कि लौट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ये संदेश अपने आप में बहुत काफी होता है। तो जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटेजी हरियाणा के भीतर बनाई गई उसका मास्टर कौन है और किस रूप में है, उससे आप दो दो हाथ इस दौर में नहीं कर सकते। ये मैसेज खुलेआम खुले तौर पर हरियाणा के भीतर इलेक्शन के दौर में ही चला गया। इसके बाद एक और सवाल उठता है कि जो मुद्दे काम कर रहा था हरियाणा के भीतर, पहलवानों का मुद्दा ऐसा था तो किसानों का मुद्दा क्या था, उन्होंने तो आंदोलन किया था, आंदोलन तो किया था, लेकिन सवाल है कि आंदोलन किसने किया था, जो किसान मौजूद थे उसमें जाट थे या सरदार थे, उसके भीतर बाकी समुदायों के लोगों की भागीदारी उस आंदोलन के किसान आंदोलन के भीतर नहीं के बराबर थी। ये संदेश इसलिए भी धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया हरियाणा के भीतर क्योंकि खेती किसानी के तौर पर तो अलग अलग गांव के भीतर जब आप घूमकर देखिएगा तो वहां पर जमींदारी की भूमिका में गुज्जर भी नजर आएंगे जो कि किसानी किया करते हैं हरियाणा के भीतर, वहां पर रोड भी नजर आएंगे, सैनी भी नजर आएंगे, हरजन भी नजर आएंगे, ब्राह्मण भी नजर आएंगे, राजपूत भी नजर आएंगे, इन तमाम लोग नजर आएंगे और तमाम तमाम वोटर्स हरियाणा के भीतर जाट के पक्ष में, हुडा के पक्ष में हरियाणा के भीतर नहीं जा रहे थे। ये संदेश किसानी उन मुद्दों को तोड़ गया भीतर भीतर, जो यानी ये कह कि अलग अलग जगहों पर किसानों का मुद्दा अगर हरियाणा में आंदोलन से जोड़कर देखा गया तो वो जाट और सरदार से आगे बात निकली ही नहीं। यानी ये कह कि सही मायने में देखे तो कांग्रेस के पक्ष में खुलेआम खुले तौर पर जो वोट पड़ रहे थे उसके भीतर जाटों की मौजूदगी थी, उसके भीतर हरियाणा के सरदारों की मौजूदगी थी, उसमें हरियाणा के मुस्लिमों की मौजूदगी थी, उसके बाद पूरा सन्नाटा ही था। और उन सन्नाटे की हकीकत थी, सच्चाई ये थी कि इस समय में जो हरियाणा के चुनाव के जो एग्जिट पोल पूरे फेल हुए, वो एग्जिट पोल ने जगह जगह के ऊपर सिर्फ जो पूछा यही पूछा कि हवा किसकी है हरियाणा के भीतर, कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, सबने बता दिया हवा कांग्रेस की है। पूछा गया हरियाणा में सत्ता में कौन आएगा, कह दिया गया कांग्रेस सत्ता में आएगी। पूछ लिया गया क्या हरियाणा बदलाव देख रहा है, सबने कहा जी हाँ हरियाणा बदलाव देख रही है। लेकिन सवाल है कि जिसने भी पूछा वोट किसको देंगे, उसको जवाब मिला कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, और करीब 10 में से 7-8 लोग ये बात कहते थे हर जगह जो जमा थे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, लेकिन बदलाव चाहिए। सवाल है कि परिवर्तन हरियाणा के भीतर होना चाहिए, कांग्रेस की हरियाणा के भीतर हवा है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, एग्जिट पोल यहीं पर आकर के हरियाणा के एग्जिट पोल पूरा का पूरा फंस गया और एक ही झटके में धराशायी हो गया। और इस बात को कभी समझ ही नहीं पाया कि सियासी तौर पर एग्जिट पोल का महत्व था, बीते 10 साल के भीतर डगमगाते आज के दौर में ऐसी पोजिशन पर ला करके उसको खड़ा कर चुकी है जहां पर वह 1-to-1 के भीतर जब तक इस बात को ना जान ले जो गुप्त मतदान होता है उसकी सच्चाई, तब तक उसका एग्जिट पोल मायने बिल्कुल भी नहीं रखेगा, क्योंकि वहां के लोगों की परेशानी और मुश्किलात सियासी दलों के नेताओं के साथ कहे और सत्ता में आने वाले बड़े बड़े नेताओं के साथ भी जुड़ी हुई है, और तीसरी बात उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई है, कौन हो रहा है, कौन आएगा, कौन जाएगा, तो इस बात को लेकर के भी है। तो एक सवाल आपके सामने हमने पूछा था कि इस दौर में पहलवानों का, जो बात आपको समझ में आया, देश का किसानों का, हरियाणा का किसान का, खास करके सभी बिरादरी जुड़े हुए, ये भी बात आप समझ गए। इस तरह सवाल इस दौर में खुद को सीएम घोषित कर दिया हुडा ने हरियाणा के भीतर, उसके बाद जाट पूरे राज्य के भीतर सक्रिय हो गया, जहां पर जो गया वहां पर जाटों का हुजूम पूरे तरीके से मौजूद रहा, वो राहुल गांधी की सभा हो, वो प्रियंका गांधी की मौजूदगी हो, वो खड़गे साहब वहां पर अपनी रैली कर रहे हो, फिर इस समय में जहां पर जो मीडिया पत्रकार वहां पर जाटों का समूह ही नजर आने लगा,
हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के भीतर, जो इस संदेश को कन्वे करने में लग गया था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हुडा साहब ही बनेंगे और ये जन नेता है हरियाणा के। दरअसल इसी रेखा ने हरियाणा के भीतर उन तमाम सारे सवालों को जन्म दे दिया। क्या सच में इस दौर में भूपेंद्र सिंह हुडा अगर हरियाणा के सीएम हो रहे हैं तो सभी अपने जाति समुदाय और उम्मीदवारों के आश्रय हरियाणा के भीतर इस बात को देखने समझने परखने लगे कि आने वाले समय में उनकी जरूरतों का समाधान हरियाणा के भीतर होगा कैसे, और इसमें तिल का तार कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए इसमें असल खेल पर्ची खर्ची ने हरियाणा के भीतर तैयार कर दिया और ये बात खुल करके हरियाणा के भीतर रेंगना शुरू कर दिया कि दरअसल नौकरी किसको किस रूप में कैसे चाहिए वो आपको जाट के समुदाय के सामने जाना पड़ेगा। और इस संदेश को पहुंचाने से भूपेंद्र सिंह हुडा के समर्थक बिल्कुल उसी अंदाज में नहीं जुटे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर संविधान बदलने की सोच को लेकर के हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चंद सांसदों में समा गई थी और अयोध्या यानी फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह भी इस बात को कहने से चुके नहीं थे कि संविधान ही बदल देंगे तो हार गए थे फैजाबाद 2024 के लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा। ये बात लोगों के जहन में बस गई और यही सवाल नौकरी को लेकर के आया। इसीलिए हरियाणा के भीतर एक सवाल और भी था कि जो 2 लाख नौकरियां हैं जो राहुल गांधी चाहे कई मौकों पर कई तरीके से हरियाणा के चुनाव मंच से कहते चले गए लेकिन उनकी बात निचले स्तर तक नहीं पहुंची थी कि उनको 2-4 लोगों से होना नहीं था। जिस क्षेत्र के भीतर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर जो उम्मीदवार जीतेगा वह जिस जाति समुदाय का होगा उस जाति समुदाय की वहां पर सत्ता होगी तो वह उसके अनुकूल कैसे वहां पर काम करेगा, ये अतीत के पन्नों में दफन था और इस संदेश ने हरियाणा के भीतर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यानी ये कहे कि हरियाणा में हुडा का खुद का सीएम बनाने का जो पूरा का पूरा अपना प्लान था वो प्लान ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हरियाणा के भीतर चल गई। जो पहलवान का पूरा प्लान था हरियाणा के भीतर वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक झटके में चला गया। हरियाणा के किसानों का सवाल था वो अभी जातीय समीकरण के भीतर उलझ करके रह गया और जिस अग्निवीर योजना को लेकर के लगातार सवाल किया जा रहा था उसमें भी एक बात समझना पड़ेगा, जवानों की पूरी रेखा को समझे, गुड़गांव का इलाका हो, रेवाड़ी का इलाका पड़े हो, रोहतक के अगल बगल का आसपास का इलाका हो, फरीदाबाद के आसपास का इलाका हो, इन तमाम जगहों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अग्निवीर जहां से निकलते हैं वहां पर भी इस दौर में कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई जबकि राहुल गांधी बहुत माइनोरिटी चीजों को संभाल रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे, दिखा रहे थे। वहां की परिस्थितियां ये होती है कि जब रोजगार का सवाल आया कि रोजगार भी सरकार देने की स्थिति में जातीय समीकरण है हरियाणा के भीतर और ऐसे में सत्ता किसके पास रहेगी, सवाल है कि अग्निवीर को अगर नौकरियां मिल रही है तो फिर सत्ता में आने के बाद देने लगेंगे तो ये तो सेंटर तक तय होगा, स्टेट लेवल पर तो अग्निवीर तय हो नहीं सकता। तो ऐसे में राज्य स्तर पर हरियाणा के भीतर जो काम होना है और केंद्र स्तर पर जो काम होना है और केंद्र अगर ये कह रहा है कि अग्निवीर में शामिल होने के बाद आप जब निकलेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी तो फिर ऐसे में केंद्र को देखा जाए या फिर राज्य को देखे, ये मामला भी काफूर हो गया हरियाणा के भीतर। यानी ये कह कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर 2-3 सवाल खुले तौर पर उभरने लगे। हुडा की कांग्रेस हरियाणा के भीतर चुनाव लड़ रही थी, जाट समुदाय हरियाणा में चुनाव लड़ रहा था, उसके पैरेलल और समानांतर उसके बराबर वो तमाम सारे लोग थे जिसमें वो कांग्रेसी भी शामिल थे क्योंकि एक बार फिर से लौट करके देखिए कि वोटिंग के वोटिंग से पहले टिकट की परिस्थितियों के भीतर क्या आप ये बात सोच सकते हैं कि कौन किसके घर जाकर अपने बेटे की टिकट मांगने के लिए रो रहा होगा और ये कह रहा हो कि मेरे बेटे को तो टिकट आप दे दो। आखिर हरियाणा के भीतर उनकी पहुंच है अगर दिल्ली तक हो इसका मतलब क्या होता है, इसका संदेश बहुत साफ होता है। हरियाणा में ये मैसेज बहुत बड़ा हो गया कि इस बार कांग्रेस इस बात को मान करके हमेशा से चलती रही कि हम हरियाणा के भीतर जीत रहे हैं और जितने की सेहरा जिनके माथे पर देना है उसको दे डाली। यानी 2005 के भीतर सोनिया गांधी ने एक प्रयोग किया था हरियाणा के भीतर जाट का और पहली बार 2005 में भूपेंद्र सिंह हुडा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन एक झटके में अगर कांग्रेस भीतर से निकल करके आती है उसको ये बात समझ में आ जाता है कि अगर गैर जाट कांग्रेसी उसको अगर आगे किया जा रहा है और ये संदेश हरियाणा के भीतर दिया जा रहा है कि देखो 36 बिरादरी का सवाल है हरियाणा के अंदर और गैर जाट व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा तो एक झटके में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के इस चुनाव के भीतर सुनने पे आ जाती, जिसका जिक्र हमने कई बार इससे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन जब आप सत्ता को अपने अनुकूल ढाल रहे होते हैं, परिस्थितियां आपको ऐसे लगती है कि हमारे अनुकूल बन चली है तो फिर उसको आपको साधेगा कौन, उस दौर में हर चीज को संभालेगा कौन। दरअसल दिल्ली के भीतर बैठी हुई बड़े बड़े धुनंधर नेता हो, चौकड़िया हो, उसके साथ घेरा, उसके साथ बड़े घेरा हो, इस बात की कल्पना की पड़े कि इस समय में हर भूमिका को आपको देखना समझना पड़ेगा। G20 की 3 की अगुवाई कौन कर रहा था, हुडा साहब कर रहे थे। अशोक गहलोत ने राजस्थान के भीतर किसकी बात नहीं मानी थी, जो 3 पर्यवेक्षक हैं जो सोनिया गांधी का आदेश नहीं माना था, इस समय में हरियाणा के पर्यवेक्षक या फिर कहे हरियाणा को लेकर के कौन 2 व्यक्ति एक साथ थे,
मरकंते और गहलोत थे, और राजस्थान के भीतर माकन की बात को गहलोत ने यही ने माना था, माकन को यहां से हराया गया था। सवाल है कि हरियाणा के इस चुनाव के भीतर कांग्रेस की इस राजनीति को साधने के लिए मौजूदा समय में शायद राहुल गांधी का नायाब प्रयोग जो रहा, उसने कांग्रेस के उस करप्शन को हरियाणा के भीतर और करप्शन को उस गुटबाजी को कांग्रेस के भीतर ही वही तमाम सारे वैसे ही नेताओं की फौज है, दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के भीतर है, उसको एक ही झटके में ठग लिया। और ये कहे कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी का संदेश उस समाज के भीतर पहुंच गया जिस समाज को वोट देना था, इसीलिए लोकसभा चुनाव 2024 के भीतर कांग्रेस नहीं हरियाणा की जनता लड़ने के लिए तैयार थी, और हरियाणा के भीतर उसी जनता ने कांग्रेस ही बताना, और कांग्रेस के भीतर की राजनीति के जरिए हरियाणा की जनता को साधना, इस परिस्थिति में आकर के कांग्रेस उलझ गई। और इसीलिए जो चुनाव परिणाम हरियाणा के भीतर से नजर आ रहा है आज, वो बहुत साफ तौर पर इस बात को बता रहा है, जो कल्पना जो सोच कांग्रेस के पास नहीं थी वो उसके हक में है। यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं, यहाँ पर बहुत भूमिका प्रशासन की हरियाणा के भीतर रही, कहा जा सकता है बड़ी भूमिका इलेक्शन कमीशन की रही, चुनाव आयोग की रही, लेकिन इसकी कोई मतलब परसेप्शन बनाने के लिए ताकत पाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मौजूदा वक्त में एक सवाल यह है कि जो रणनीति हरियाणा के भीतर बनाई गई, जिस तौर पे बनाई गई, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप देखते चले जाइएगा तो आप इस बात को लेकर के भी काफी हैरान हो जाइएगा। जो अलग अलग बेल्ट काम कर रहे थे, यहाँ तक कि बागल बेल्ट जो जहां पर जाट वोटों का दबदबा होता है, 5 जिले उसके तहत आते हैं, हरसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, तमाम सारे जगहों के ऊपर सिंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने कैसे एक ही झटके में हरियाणा के भीतर लगा दिया, यहाँ पर जाट वोटों का दबदबा होता है, यानी ये कह ले कि मिली जुली परिस्थिति के भीतर कैसे कोई आकर के खड़ा हो गया, जब लहर आई, सुनामी चल रही थी, उसके भीतर भी वही जाट अगुवाई कर रहा था, इन परिस्थितियों से क्या आंख मूंद ली गई। मैं बात में जरूर रहा प्रभावी कांग्रेस का, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक मुसलमानों की संख्या थी, वह उसके अनुकूल रहेगा भी, लेकिन इसके बाद अगर आप अलग अलग जगहों पर हरियाणा के भीतर जाएंगे, जैसे जीटी रोड बेल्ट में छिंदमारी करने की कोशिश की गई, राहुल गांधी की पदयात्रा वहां पर निकाली गई, रैलियां की गई, यहां पर आने वाले 6 जिले कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला और अंबाला और यमुनानगर, इन 6 जिलों के भीतर 23 विधानसभा की सीटें होती है हरियाणा के, उस पर परिणाम तो नहीं, लेकिन रुझानों के आश्रय समझे कि पिछली बार से बेहतर स्थिति, यानी पिछली बार 12 सीट जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी, उस बार उस आंकड़े को इस बार पार करते हुए 18 सीट तक वहां पर पहुंच रही है, 15 से 18 के बीच में वो खड़ी हुई है जीटी रोड बेल्ट के भीतर। आखिर ये संदेश क्या है कि सब कुछ फेल, इस दौर में सब कुछ फेल। अहिरवाल क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता है, वहां पर उसने दबदबा बरकरार रखा, ओबीसी का दबदबा वहां पर रहता है, भारतीय जनता पार्टी का परंपरा वोट बैंक होता है, उसमें सिंध कांग्रेस पार्टी लगा नहीं पाई, बांगर बेल्ट जो सर छोटू राम का इलाका पड़ता है वहां पर। आखिर मौजूदा वक्त में हरियाणा के भीतर सवाल यह है कि आखिर दक्षिणा हरियाणा हो या देसवाल की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, या रोहतक, झज्जर और सोनीपत है, आखिर ये जाटलैंड, यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा माना जाता है, 14 सीट है इन 3 जिलों के भीतर में विधानसभा के हरियाणा के अंदर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन इस बार फायदा कैसे मिल गया, 3-4 सीटों का फायदा कैसे हो गया भारतीय जनता पार्टी को एक झटके में, तो क्या रणनीति तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर हरियाणा के भीतर कांग्रेस पार्टी फेल हो गई, या राहुल गांधी फेल हो गई, या शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी इस बात को मान करके चल रही थी कि हरियाणा में हुडा है अब वो जीत जाएगी, या हुडा मान करके चल रही थी कि अब वो खट्टर और सैनी को नहीं देखना है, अब तो भूपेंद्र सिंह हुडा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, या फिर इस दौर में जो अपने नेक्सस के आश्रय चल रहे थे हरियाणा के भीतर, पैसे के आश्रय चल रहे थे, टिकटें उनके अनुकूल दे दी गई, क्योंकि ये इस बात को माना जा रहा है जब कोई चुनाव जीत रहा होता है तो ऐसे में टिकट पाने की होड़ लगी रहती है, 100-100 करोड़ लेकर के दिल्ली के भीतर लोग बैठे रहते हैं। जी हाँ, आखिर वो दिल्ली के मेरिडियन होटल हो या मैरियट होटल हो, कोई भी होटल हो, 5 स्टार 7 स्टार 7 स्टार जो भी हो, यहाँ बैठ करके पैसों का सौदा होता है, यहाँ बैठ करके इस तरह की चीजें चल रही होती है, क्या इस बात से कोई इनकार नहीं हो सकता है, कह सकते हैं कि यहाँ चल रही होती है। और जो सोच रहा था उस दौर में, उसने जमीन पर संघर्ष किया, वो चुनाव जीत सकता है, लेकिन वह हुडा के करीब नहीं था, उसके पास पैसा नहीं था, वो कुमारी सैलजा के भी करीब नहीं था, वो राहुल गांधी के भी करीब नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के करीब नहीं था। यहां से जो नाम निकल के आए उस स्क्रीनिंग कमेटी के बीच से, उस नामों के बीच भी एक गोलबंदी थी, एक घेराबंदी थी, वो गोलबंदी घेराबंदी हरियाणा से निकल करके दिल्ली के 24 अकबर रोड के कमरों के भीतर अपनी पहुंच करके महत्ता को बरकरार रखने, वहां पर स्ट्रेटेजी बनाने में और रणनीति को साधने में लग गई। शायद ये राजनीतिक इस चुनावी जीत की और माहौल बनाने की माहौल को तैयार करने की, इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी पहले से ही वहां बैठे, माहौल बनाना नहीं है, माहौल तो बनाया है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही। तो क्या सच में इस दौर में जो अलग अलग जगहों के चुनाव परिणाम की दिशा में अब चीजें निकल करके आ रही है हरियाणा के भीतर से, उसमें से 17 सीट दलितों की हो, जो शेड्यूल
कास्ट की जो सुरक्षित सीट होती है। इस दौर में हरियाणा के भीतर जीटी रोड बिल्ट की सीट हो, अहिरवाल की सीट हो, साउथ गुरगांव महेंद्र बिजभूषण से सटा हुआ जो इलाका होता है जहां पर गुज्जरों का प्रभाव होता है, उन्होंने भी प्रभाव दिखा दिया। आखिर 9 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट उनके अनुकूल, 1 सीट पे कांग्रेस आगे चलती है, इंडिपेंडेंट इस सीट पे आगे चल रहा है। यानी ये संदेश हरियाणा के भीतर से बहुत साफ बता रहा है कि इस दौर में अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मुखिया है, अगर राहुल गांधी की नीतियों को, उनकी सोच को ही अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सोच बनानी पड़ेगी। लेकिन सवाल है कि अगर पारंपरिक तौर पर पारंपरिक राजनीति के हिसाब से अगर कांग्रेस इस बात को सोच लेती है, एक बार ये एक बार वो हमारे अनुकूल की राजनीति हो जाएगी, तो वोटर इस बात को अब समझना शुरू कर दिया कि आप में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में कोई भी अंतर नहीं है और दिल्ली के भीतर आपकी सत्ता है नहीं, आप जिन तमाम मुद्दों को लागू करना चाहते हैं मुद्दे आपके हाथ में है नहीं। आखिर इन्हीं परेशानी के सबब के भीतर कांग्रेस पार्टी को रणनीति जो बनानी चाहिए थी उसके भीतर सवाल जाट का और हुडा का कैसे आकर के शामिल हो गया, उसके भीतर कुमारी शैलजा और दलितों का सवाल कैसे खड़ा हो गया हरियाणा के चुनाव के भीतर, उसमें सवाल बड़े बड़े नेताओं के बेटों का कैसे सवाल आकर खड़ा हो गया एक झटके में, सवाल तो आने ही नहीं चाहिए थे। यहां पर तो लड़ाई तो उस सोशलिज्म की हो रही थी हरियाणा के भीतर, जिस सोशलिज्म को 91 के भीतर पीवी नरसिंहा राव ने भुला दिया था। इस समय की पूरी इकोनॉमी उस कॉरपोरेट के हाथ में चली गई और उसी कॉरपोरेट से निकले हुए नेता मौजूदा भारत देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी है, कांग्रेस के भीतर भी है, बीजेपी में सेंट्रलाइज हो गई, कांग्रेस के भीतर उसका भी लोकतांत्रिककरण है, भी निचले स्तर पर बहुत सारा पैसा है कांग्रेसियों के पास, इसके भीतर बचता क्या है देखते रहिए। इस पर फिर से एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे और तब उसमें एक एक बात को लेकर के जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को लेकर के आखिर वहां पर जनता क्यों साथ दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम सारे, देखते रहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना कॉमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।